सो हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपका एक गेमिंग यूट्यूब चैनल है और दोस्तों आप वीडियो अपलोड करते हो मगर आप एंड स्क्रीन को नहीं यूज कर पाते हो। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रोफेशनल एंड स्क्रीन इंट्रो बनाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक यहाँ पर इंट्रो बनाया जो कि एंड स्क्रीन है, और यहाँ पर आप दो वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और अपने चैनल का लोगो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दोस्तों जो भी व्यूअर्स आपके वीडियो को पूरा देखने के बाद अंत में आएगा, दो वीडियो भी देखने को मिलेगा, क्लिक करके वीडियो भी देख सकता है और आपके चैनल के ऊपर लोगों को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। दोस्तों आप इस तरीके से एंड स्क्रीन इंट्रो बनाना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से यहाँ पर सीख जाओगे कि किस तरह इन स्क्रीन को बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई आपको पता है हम यूट्यूब के रिगार्डिंग वीडियोज लाते रहते हैं। दोस्तों मैं इधर काइन मास्टर ओपन कर चुका हूँ। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको एक नया प्रोजेक्ट लेना है, उसके बाद आपको जाना है मीडिया। मीडिया के जाने के बाद आपको एक दोस्तों यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। लेने के बाद इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। कर देने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको एक टेम्पलेट देखने को मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लेयर, उसके बाद मीडिया, मीडिया के अंदर जाने के बाद टेम्पलेट को यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए। दोस्तों मैं इधर टेम्पलेट को ऐड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद देख सकते कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेम्पलेट है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले और एक यहाँ पर आपको काम करना है, आपका जो गेमिंग चैनल का लोगो है उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं इधर ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले जाऊँगा लेयर, उसके बाद फिर जाऊँगा मीडिया, जाने के बाद मैं मेरे लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो गेमिंग चैनल का लोगो है वो यहाँ पर मैं इधर ऐड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं करने वाला हूँ फुल स्क्रीन। इसको क्लिक करने वाला करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो फुल स्क्रीन कर देने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, तो इसको ओके कर दीजिए। कर देने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको लोगों को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन चूज करना है। स्क्रीन चूज कर देने के बाद इसका जो कैपेसिटी है इसको आप लो कर दिए, 50 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो मैं कैपेसिटी को 50 कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो चुका है 50, तो 50 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं खींच के यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड में आपका चैनल का लोगो दिख रहा है और यहाँ पर दो वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हो और बीच में गाइस आपका चैनल का लोगो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा किस तरीके से आपको ये एंड स्क्रीन लगाना है, वो भी बताऊँगा वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर सारा कुछ मैंने यहाँ पर कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं इधर लिखता हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। तो टेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पर कैपिटल में लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल बीच में रखना है, ठीक है, ठीक है। तो बीच में रखने के बाद इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको जाना है फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट में डाउनलोड किया, तो मैं इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो इस फ़ॉन्ट को चूज़ करने के बाद तो ये जो फ़ॉन्ट दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चूज़ कर लिया, उसके ओके कर देता हूँ। कर देने के बाद यहाँ पर सबसे पहले और एक काम करना है, यहाँ पर जाना है फिर से आपको यहाँ पर ऑप्शन है ब्लेंडिंग, इसको जाना है। जाने के बाद फिर से इसको आपको स्क्रीन कर देना है। कर देने के बाद इसका भी कैपेसिटी आपको यहाँ पर 70 कर देना है, ठीक है, 70 कर देना है, ठीक है, 70-80 कर देना, ठीक है। तो मैं तो 80 कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पर 81 हो चुका है। चलो यहाँ पर ओके कर दे। कर देने के बाद इसको मैं उसको खींच के बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद इसको एक एनिमेशन देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर एनिमेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड डाउन, ठीक है। इसको मैं दोस्तों यहाँ पर 1.5 कर देता हूँ। दोस्तों मैं इसको मैचिंग करता हूँ। ये दोनों जो उड़े थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और यहाँ पर सब्सक्राइब भी ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, आप देख सकते हो। मैं क्लिक कर दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है आप इधर देख सकते हो। तो इसका भी थोड़ा सा कैपेसिटी को यहाँ पर कम कर देता हूँ, ज़्यादा हाई हो चुका है कैपेसिटी इसका, तो इसको थोड़ा सा मैं लो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लो कर दिया इस बार, ठीक है। तो यहाँ प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो तो कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको इंट्रो को यहाँ पर फिर से और अच्छे तरीके से प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर इंट्रो बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। दोस्तों और एक अपने पर काम करना चाहिए, हमेशा आपको ध्यान देना है आपका जो एंड स्क्रीन का इंट्रो है वो यहाँ पर 20 सेकंड के ऊपर होना चाहिए। तो आपको 20 सेकंड हमेशा आपको रखना चाहिए, उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो इसमें मैं एक्सपोर्ट यहाँ पर कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो, करने के बाद एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्टिंग यहाँ पर हो चुका है। और दोस्तों बता दी जो एंड स्क्रीन का इंट्रो को आप वीडियो जब एडिट करोगे, एडिट करते के समय गाइस आपको एंड में इस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये एंड स्क्रीन इंट्रो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको वीडियो को ऐड करना है, किस तरीके से लोगों को ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं इधर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। तो मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद मैं एक वीडियो अपलोड किया।
अपलोड करने की वीडियो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप ये देख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गाइस ऐड एंड एंड स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस एक ऐड का ऑप्शन देख सकते हो, आपको इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड की वजह से क्लिक करो, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर चलाएगा। तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। वीडियो के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर गाइस यहाँ पर है मोस्ट रिसेंट अपलोड। यहाँ पर जब भी किसी रिसेंट कोई भी वीडियो अपलोड किया यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देख सकते किस तरीके से यहाँ पर शो करेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा। और दोस्तों यहाँ पर बेस्ट व्यूअर भी है, यहाँ पर स्पेसिफिक चॉइस, इसको क्लिक कर तो करने के बाद आपका जो वीडियो यहाँ पर लगाना चाहते हो वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मान लो इस वीडियो को मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर वीडियो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अच्छी जगह सेट करता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सेट करना है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सेट करने का फिर से आपको प्लस ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको जाना है वीडियो, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर वीडियो और एक वीडियो आपको चूज करना है। कुछ इस तरीके से चूज करने के बाद इसको आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर आपको लाना है, ठीक है, इसके अंदर आपको लाना है। तो लाने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद आपको और एक काम करना है, यहाँ पर आपको लोगों को ऐड करना है। फिर से आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सब्सक्राइब के ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपका यहाँ पर जब का जो लोगो है लोगो यहाँ पर आ जाएगा, आप इधर देख सकते हो। तो इसको आपको ड्रैग करके बाद यहाँ पर गाइस आपको यहाँ पर बीच में लाना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बीच में इसको लाना है। तो मैं इसको बीच में लाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। उसके बाद वीडियो का सामने प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कितना यहाँ पर अच्छा लग रहा है। आप देख जब भी यहाँ पर वीडियो एंड होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन देगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।